इंदौर में लेडी प्रिंसिपल को पेट्रोल छिड़ककर जलाने की घटना पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आक्रोश जताया है। मंगलवार एबीवीपी पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पर ज्ञापन सौंपा, जिसमें आरोपी छात्र पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई। इंदौर के सिमरोल में स्थित बीएम कॉलेज की प्राचार्य विमुक्ता शर्मा पर सोमवार को पेट्रोल डालकर जला दिया गया था, जिन्हें गंभीर हालत में इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मंगलवार को बड़ी संख्या में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने ज्ञापन सौंपकर आरोपी छात्र आशुतोष श्रीवास्तव पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। वहीं एबीवीपी से ज्ञापन लेने के बाद तहसीलदार धीरेन्द्र पाराशर ने छात्र संगठन को सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। कल जिस प्रकार देखने में आया था कि बीएम कॉलेज जो इंदौर में स्थित है, उसकी प्राचार्य पर एक विद्यार्थी ने पेट्रोल डालकर उन्हें जलाने का प्रयास किया, वो प्राचार्य आज 80% तक जल गई है और वो एकदम क्रिटिकल कंडीशन में एडमिट है। तो विद्यार्थी परिषद की यही मांग थी कि जो विद्यार्थी ने गलत करा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जल्द से जल्द गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्शन ले उस विद्यार्थी के ऊपर। क्या आश्वासन आपको मिला? यहाँ से ये बताया गया है कि जल्द से जल्द इस चीज़ का ऊपर कार्रवाई करेगी प्रशासन। एक घटना हुई है बीएम कॉलेज की प्राचार्य के ऊपर, जैसा कि ज्ञापन में लिखा हुआ है, पेट्रोल डालकर एक विद्यार्थी ने जो दुर्घटना कारित की है उसके संबंध में एबीवीपी की तरफ से एक आवेदन प्राप्त हुआ है जो ज्ञापन के रूप में है। इस ज्ञापन को माननीय कलेक्टर महोदय को प्रेषित किया गया है, जो अभी शीघ्र ही कलेक्टर महोदय के संज्ञान में लाया जाएगा। जो भी यथोचित नियमानुसार कार्रवाई होगी उसके लिए भेजा जाएगा। इंदौर से नीरज बोरासी की रिपोर्ट।